क्लियरली सलमान खान ने दिग्विजय और अविनाश को ये बता दिया है कि भैया आप कौन से शो में आए हो, यहाँ कराटे वराटे खेलने के लिए आए हो, क्या करने आए हो, ये कौन सा शो है। उनका कहना है सर बिग बॉस है, क्या करते हैं यहाँ पे, बातों का वार करते हैं, तो लड़ाई क्यों कर रहे हो। करण यहाँ जीन्स कोई पहनता है, जीन्स लेके आओ, जीन्स लेके आता है करण, चलो अविनाश को दे दो, अविनाश फाड़ो, अविनाश फाड़ते हैं, फटती नहीं है जीन्स, ओके कोई बात नहीं, दिग्विजय को दे दो वो फाड़ देगा, दिग्विजय नो सर नहीं फट रही, बताओ तुमसे एक जीन्स तो फट नहीं रही, तुम इंसान को बीच से फाड़ने की बातें कर रहे हो, ये करना क्या चाहते हो, ये दिखाना किसको चाहते हो, तुमने बाहर कोई लड़ाई नहीं करी है, ये बात सच है, फिर यहाँ क्यों दिखा रहे हो कि तुम बीच से फाड़ दोगे इंसानों को, तुम्हें बच्चा भी पीट के चला जाएगा ये जो हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। क्या क्लास लगाई है सलमान खान ने, इनको एक्सपोज कर दिया है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते मत बनो यार, लड़ नहीं सकते तो मत कूदो कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं भी इसे फाड़ सकता हूँ, मत करो ये सारी चीज़ें, जवानी लड़ाई लड़ो है ना, मुँह से जवानी लड़ाई मुँह से लड़ो, शरीर से मत लड़ो, और ये शो ये नहीं कहता है कि तुम शरीर से लड़ो। चलो ये वाली बात तो सलमान सर ने एक्सपोज करते हुए दिग्विजय और अविनाश को बोल दी, हमें अच्छा लगा, लेकिन इससे भी भयंकर लड़ाई हुई थी जहाँ पे रजत ने खंबे पे टांग दिया था अविनाश को दो दो बारी, क्या उसके बारे में भी बात की जाएगी या फिर वो वाले मुद्दे को ड्रॉप कर दिया जाएगा, उस वाले मुद्दे को भी लेके आओ सलमान सर, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने उस मुद्दे को भी नोटिस किया, उस मुद्दे पे भी कहा कि रजत क्यों टांग रहे हो। हाँ तो इस तरीके से एक्सपोज तो किया है दिग्विजय और अविनाश को कि अगर कर सकते हो बाहर किए हो तब तो बोलते हुए थोड़े अच्छे भी लगोगे, तुम्हें एग्जांपल भी देके दिखा दिया कि तुमसे एक जींस नहीं फट रही तो तुम आदमी क्या फाड़ोगे, तो मत बोलो, वही बोलो जो कर सको।